रेहान इंदरवाला, आयशा महमूद, सोनिया लतीफ, मेदा वाला, सादिया तारे, यू कैन हैव योर इंट्रोडक्शन प्लीज। मोहम्मद अरशद, मोहम्मद अरशद, आई एम फ्रॉम आवर खान यूनिवर्सिटी ऑफ स्कूल। अंबर मंसूर, एसएन सलीम फ्रॉम सुपर टेक्नोलॉजीज। यू कैन हैव योर इंट्रोडक्शन सर प्लीज। माय नेम इज रफीक अहमद अंसारी एंड आई एम वर्किंग फॉर मिस्टर मोहम्मद दमान सैगर। वी आर फ्रॉम मिशन आजाद। My name is Mohammad Ashfaq and I work for SS Construction Company and I am personal assistant to Mr. Noman Sagar. I am Usman Ghazi, I am from Qaumi Akbar. We have Adil here from Super Technologies, Adil Iqbal, Huzoor Baksh and Mr. Masood Akbar who is our PR for Super Technologies Foundation, PR Relation Manager, Mr. Haroon Rashid, Mr. Iqbal Khan and Dr. Juzana. I will now welcome Mr. Rehan Lawala, the founder of Super Technologies, to have some talk on mobiles, Mobile Monday. Assalamu alaikum, shukriya madam. मेरे सर पे शारिक शाह साहब की टोपी आई है क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है और बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो है कि इम्पैक्ट ऑफ चाइनीज़ मोबाइल इन पाकिस्तानी मार्केट। सो नॉर्मली हम लोग मोबाइल मंडे में बहुत इम्पॉर्टल गुफ्तगू करते हैं, बातें करते हैं और गप्पे लगाते हैं, तो उसी को जारी रखते हुए हम देखेंगे कि अब चाइनीज़ मोबाइल की वजह से क्या ट्रेंड आया है, चेंज आ रहा है पाकिस्तानी मोबाइल इंडस्ट्रीज के अंदर। तो किसी के पास वो N8 है चाइनीज़? ओके, सो देयर इज़ अ न्यू मोबाइल इन अवेलेबल। जो चाइनीज़ मोबाइल हैं उसमें एक ब्रांड जो काफ़ी फेमस हो गया वो Q3 क्यू मोबाइल का हो गया और क्यू मोबाइल का ये एक सेट है जो कि इस वक्त मेरे पास है और ये जो है 3900 रुपये का सेट है जिसका कीबोर्ड बिल्कुल क्या कहना चाहिए QWERTY कीबोर्ड है और ये ब्लैक कलर की शक्ल का लगता है और इसके ऊपर कैमरा भी मौजूद है, 200 MP भी लग जाती हैं एंड इस पर वीडियोज़ भी प्ले हो जाते हैं और इस पर ई मेल भी चेक कर सकते हैं, फेसबुक भी चेक कर सकते हैं। सिमिलरली जो एक और सेट आया है वो 1800 रुपये में अवेलेबल है जिसके अंदर कीबोर्ड नहीं है लेकिन वीडियोज़ चल जाती हैं, कैमरा है और 200 MP लग जाती हैं। और इसी तरीके से अब ये चाइनीज़ आईपैड्स आ गए, 9000 रुपये का मेरा ओरिजिनल आईपैड 80,000 रुपये एंड दिस वन इज़ फॉर 9000 रुपीज़। और इसके ऊपर भी आप यूट्यूब चला सकते हैं, गूगल चला सकते हैं, कैमरा इसमें बिल्ट इन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, सामने रख के आराम से फुल स्क्रीन बात कर सकते हैं, इसके अंदर HDMI आउट है, आप अपना बड़ा स्क्रीन लगा सकते हैं, जो कुछ आप एक एंड्रॉयड फ़ोन पर कर सकते हैं उससे कुछ ज़्यादा ही है। इनफैक्ट उसमें क्योंकि फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो जाती है जो कि नॉर्मली मोबाइल फ़ोन से नहीं हो पाती है। तो ये जो इम्पैक्ट इसकी वजह से आ रहा है कि हमारे मासेस जो हैं जो जो चेंज उनकी वजह से उनके पास आएगा, दैट इज़ द रियल चेंज दैट विल हैपन। के जो हमारे गरीब तबका है, जो एक जो कि नॉन लर्नड तबका है, वो भी इसको अफोर्ड कर सकता है। और मेरा ये ख्याल है कि एंड्रॉयड फ़ोन जो हैं अगले साल के एंड तक प्रॉपर्ली 2 से 3 हज़ार रुपये के हो जाएंगे और जिसका मतलब है कि एंड्रॉयड फ़ोन होने के बाद आप लोगों को मालूम है जो कि गूगल की जो एंड्रॉयड फ़ोन में फीचर्स हैं वही हैं कि आप बोल के सारा काम करा सकते हैं, यानी कि आपको लिखने पढ़ने की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। आप यूट्यूब पे जाके बटन दबाएं और बोले भाई गाड़ी का पहिया कैसे चेंज करते हैं तो वीडियो आ जाती है कि भाई गाड़ी का पहिया कैसे चेंज करते हैं। सिमिलरली अगर आप गूगल पर कुछ सर्च करना चाहते हैं तो आप बोलते हैं और सर्च हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा मुल्क का जो जाहिर सेक्टर है 60% जो लिख पढ़ नहीं सकता है उसको लिखने पढ़ने की जो ज़रूरत थी वो ख़त्म हो जाएगी। तो और जो इल्म फंसा हुआ था उसके पास ऑब्टेन करने में उसको मुश्किल हो रही थी क्योंकि स्कूल जाना पड़ता है, स्कूल नहीं जा रहा था, तो स्कूल ना जाने के बावजूद भी वो सीख सकता है। तो हमारे जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनमें से एक बात एक उनमें से ऐसे हैं, एक और है आमताब है, वो ऐसे हैं जिन्होंने ज़्यादातर हमारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कंप्यूटर कभी नहीं चलाया था हमारे पास आने से पहले। उसके बाद अब जब इन्होंने टेक्नोलॉजी चलाना शुरू करी तो अब ये ट्रेनर बन गए, इनफैक्ट ये दूसरों को सिखा रहे होते हैं कि कंप्यूटर्स कैसे चलाना है, सोशल मीडिया कैसे चलाना है। और
एक फैसिलिटेटर का काम कर रहे हैं। तो जिस तरीके से हम किताब को एज अ रेफरेंस टूल इस्तेमाल करते हैं कि किताब के ज़रिए हम टीचर जो है वो पढ़ाने की कोशिश करता है, और टीचर जो पढ़ा रहा होता है वो बेसिकली अगर सारा कुछ अपनी खोपड़ी से पढ़ाने लगे तो उसमें प्रॉब्लम ये आता है कि वो गलतियाँ कर सकता है, लेकिन किताब को हम रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली अब हमारे पास 1.25 लाख स्कूल हैं गवर्नमेंट के स्कूल में जिसके अंदर टीचर्स मिसिंग हैं, तो अगर हम उसके अंदर टेक्नोलॉजी को इम्बेड करना शुरू करते हैं कि भाई हम बच्चों को मोबाइल फ़ोन ला दें या टीचर्स को मोबाइल फ़ोन ला दें और वो उसके ज़रिए जिंगल्स सुनाना शुरू करते हैं और उसके ज़रिए गावर प्रैक्टिस सुनाना शुरू करते हैं, तो जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एक प्राइवेट स्कूल में मिल रही है वही क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एक गवर्नमेंट स्कूल में भी मिलना शुरू हो जाएगी, और टीचर का काम फैसिलिटेटर का हो जाएगा। यानी कि अगर जब एक बार किसी को कुछ पढ़ाते हैं तो उस तरह पढ़ाते हैं कि भाई ये वीडियो देखो, सिर्फ एक फैसिलिटेट करते हैं कि ये बैठो यहाँ पे और ये फिल्म देखो कि फिल्म देखने से सीख रहे हैं तुमने। तो एक फैसिलिटेटर हमें बहुत सारे आराम से मिल सकते हैं, लेकिन ट्रेनर्स हमें मुश्किल से मिलेंगे। यानी कि पीपल हु एक्चुअली हैव अ लॉट ऑफ लैंग्वेज, टीचर्स ट्रेन करना एक बहुत बड़ा मिशन है, और जो टीचर्स की क्वालिटी होती है वो भी अच्छी नहीं होती, लेकिन वीडियो की जो क्वालिटी है वो हमने एक बेस्ट टीचर से बनवाई और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करी, तो डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट इतनी लो हो गई है और इतनी आसान हो गई कि एक बच्चा पाँच बच्चे एक फ़ोन से आराम से सीख सकते हैं। दैट्स द इन्वेस्टमेंट वी विल नीड टू मेक इन आवर टीम इन आवर पीपल, और दैट इज़ वेयर द चेंज विल स्टार्ट हैपनिंग। आज का टॉपिक चूज करने का मकसद यही था कि ये जो इतनी सस्टेनेबल यानी सस्ती जो फोन अवेलेबल हैं उससे इम्पैक्ट आप लोगों के ख्याल में क्या आएगा, तो ये मेरे ख्याल आते हैं। मैं चाहूँगा कि आपके जहन में किसी के कुछ सवाल हो कि आपके ख्याल में क्या चेंज आएगा इस फ़ोन के आने से। एक बहुत अच्छी बात मैं चाहूँगा कि इकबाल इनफैक्ट बताएँ कि उनसे किसी ने सवाल किया कि ये तो फेसबुक जो है ना वो तो ख़राब चीज़ है। यानी फिर अखबार जिस मदरसे में पढ़ते हैं उस मदरसे में वो उन्होंने किसी को नहीं बताया कि मैं फेसबुक यूज़ करता हूँ, इसलिए नहीं बताया। एक बात बताइए क्यों नहीं बताया आपने? Yeah.